2023 भारतीय सिनेमा के लिए बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि एक नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हुई थी। इन फिल्मों में बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा की फिल्में शामिल हैं। कई फिल्में पैन इंडिया फिल्मों के रूप में सामने आई और जबरदस्त सफलता के साथ देश भर में छा गई। 2023 के बाद 2024 भी दर्शकों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि बड़े पर्दे पर साउथ की वो फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और वो फिल्म कौन सी है तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म पुष्पा टू दी रूल की। वेल, आपको बता दें, अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा दी रूल 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होने वाली है। पुष्पा दी रूल वास्तव में साल की सबसे बड़ी बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। पुष्पा दी राइज की जबरदस्त सफलता के बाद दर्शकों को फिल्म के अगले पार्ट का बेसब्री से इंतजार है और निर्माताओं ने आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन का पुष्पा दी रूल से पहला पोस्टर जारी करके फैंस का एक्साइटमेंट लेवल हाई कर दिया है। 2024 में रिलीज होने वाली साउथ की टॉप टू फिल्म कांटारा 2। कांटारा 2022 में रिलीज हुई और साल की सबसे बड़ी सफलता की कहानी बनकर उभरी। फिल्म ने अपनी बेहद आकर्षक कहानी के साथ हर किसी को इसके बारे में बात करने पर मजबूर कर दिया, जो भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। वेल, हाल ही में निर्माताओं ने कांटारा चैप्टर 1 से ऋषभ शेट्टी का लुक शेयर किया था, जिसको देख फैंस की धड़कनें तेज हो गई है। अब बात करेंगे फिल्म कंगुआ की। शिवा द्वारा निर्देशित कंगुआ मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, जिसमें सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पाटनी और जगपति बाबू मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। कंगुआ एक तमिल भाषा की पीरियड एक्शन फिल्म है जिसे आदि नारायण ने लिखा है। ये फिल्म सबसे महंगी तमिल फिल्म बताई जा रही है, जिसे 2024 की शुरुआत में पूरे देश में कई भाषाओं में रिलीज करने की योजना है। वेल, बता दें आपको, इस फिल्म को दुनिया भर में 48 भाषाओं में 3D और IMAX फॉर्मेट में रिलीज की जाएगी। तो ये थी साउथ की टॉप फिल्में जो इस साल रिलीज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इन24 न्यूज, मुंबई।